ओम शांति। परमात्मा ने भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 16 में बताया है कि चार प्रकार के लोग मुझे याद करते हैं। उसमें प्रथम है आर्त, किसी चीज से दुखी, बहुत ज्यादा परेशान है, ऐसे लोग परमात्मा को याद करते हैं। जिज्ञास, जो ज्ञान की इच्छा रखते हैं। अर्थार्थी, किसी अर्थ की इच्छा रखते हैं। और ज्ञानी, ये चारों लोग मुझे भक्ते हैं, भजते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि इन सब में ज्ञानी हमें सर्वाधिक प्रिय। क्यों? क्योंकि ज्ञानी ही परमात्मा को यथार्थ से जानता है। उनके यथार्थ स्वरूप क्या है, भगवान किन गुणों से युक्त हैं, उन सारी जानकारी ज्ञानी को हो सकती है। और ज्ञान तब प्राप्त होता है जब आप सुख दुखों से परे हो जाएं। जिसको भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ कहा है, उस स्थित प्रज्ञ के स्थित होने से ही आप अपनी आत्मा में स्थित होंगे। और जब आत्म स्वरूप का दर्शन होता है तो प्राणी संसार के सुख दुखों से परे हो जाता है। नाना प्रकार की स्थितियां, नाना प्रकार की विचलित करने वाली स्थितियां उसे परेशान नहीं करती, क्योंकि वह जानता है कि स्थितियाँ किस प्रकार से अस्थाई हैं और इसका हमारे आगे बढ़ने से, हमारे संसार की जो प्रगति है उसमें इसका कोई योगदान नहीं है। यह मेरी बाधाएं नहीं हैं, मैं इनमें स्थित नहीं हूँ। जैसे महात्मा बुद्ध को एक व्यक्ति ने बहुत गाली दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वत्स, अगर मैं गालियाँ ना लूँ तो किसके पास रह जाएगा? तो गाली वाले ने कहा कि अगर आप नहीं लेंगे तो मेरे ही पास रहेगी। बाद में उसे स्वरूप समझ में आया कि गलती उसी की थी, तो महात्मा बुद्ध के पैर में गिर पड़ा। वैसे हम लोग भी हैं, प्रतिदिन झेलते हैं, लेकिन हमें अपना ज्ञान नहीं होता है। हम दूसरों को बाड़ियों से आहत हो जाते हैं। तो यह सब प्रवृत्तियों को छोड़ करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहें। ओम शांति।